Have a very beautiful day to all of you, dear students, and have a very shining morning to all of you. Today we are here to read the chapter 9. It's a poem written by Peter Dickson. Where do all the teachers go? Dear students, the poem Where Do All the Teachers Go mentions how for every child, his or her teacher is very special. Dear students, as you know, it is very difficult for a small child to comprehend and accept that his or her teacher is an ordinary person like others. So, let's get started the reading of the chapter. But before that, let's have a look on today's thought. Here it is on your screen. Dear students, if you are making more effort today than your earnings, then keep the faith, you will be able to earn more than your effort in the future. प्यारे बच्चों, अगर आप आज अपनी कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो विश्वास रखें, आगे चलकर आप अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे. With this inspirational thought, let's get started the reading of the poem. Dear students, सभी बच्चे स्कूल के बाद ये सोचते होंगे कि उनके टीचर्स आखिर जाते कहाँ हैं और घर पर अगर जाते भी हैं तो क्या क्या काम करते होंगे. ऐसा मैंने भी सोचा था अपने टीचर्स के बारे में और ऑब्वियसली आप भी सोचते होंगे. तो चलिए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं आज इस पोएम के माध्यम से. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं. क्या वे घरों में रहते हैं? And that's very funny. क्या वे अपनी जुराबें यानी मोजे धोते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल धोते हैं. सारे शिक्षक अपने घरों में ही जाते हैं और वे अपने जुराबों के साथ साथ अपने सारे कपड़े भी खुद ही धोते हैं. Let's go forward. Do they wear pajamas? And do they watch TV? And do they pick their noses the same as you and me? क्या वे पजामा पहनते हैं और क्या वे टीवी देखते हैं और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं तुम्हारी और मेरी तरह? जी हाँ, बिल्कुल, वे पजामा भी पहनते हैं, टीवी भी देखते हैं, नाक भी साफ करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह. Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children? And were they ever bad? क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनकी माताएं और पिता हैं? और क्या वे कभी बच्चे थे? क्या वे कभी बुरे भी थे? बिल्कुल, वे दूसरे लोगों के साथ भी रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, उनके माता पिता भी हैं. हाँ बिल्कुल, हर शिक्षक एक बच्चा होता है. एंड यस, ऑफ कोर्स, कभी कभी बुरे भी हो जाते हैं. ओके, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या कभी ऐसा हुआ कि उनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग कभी सही ना हो? बिल्कुल, सभी मिस्टेक करते हैं. क्या उन्होंने कभी गलतियां की? ऑफ कोर्स की होंगी. क्या उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने गलतियां की होगी तो उन्हें सजा भी मिली होगी अगर उन्होंने चॉकलेट की पापड़ियां चुराई. बिल्कुल, अगर उन्होंने कोई भी चोरी की होगी तो उन्हें सजा जरूर मिली होगी. आगे बढ़ते हैं. Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Oh my God, what kind of questions can a child ask? क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताबें खोई थीं? क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी थीं? क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था? क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी?
ऑफ कोर्स उन्होंने कई किताबें खोई होंगी, और हरी सब्जियां सभी को पसंद नहीं होती हैं, तो कुछ टीचर्स ने छोड़ी भी होंगी जब वो बच्चे थे। और हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल है कि बच्चा जब डेस्क पर बैठता है तो वो कुछ ना कुछ स्क्रबल करता है, अपना नाम करता है या अपने फ्रेंड का नाम करता है। और ऑफ कोर्स बच्चे छोटे होते हैं तो गंदे कपड़े भी पहने होंगे कभी। लेट्स मूव ऑन। आई फॉलो वन बैक होम टूडे, आई फाइंड आउट वॉट दे डू, देन आई पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स। बच्चा कहता है, मैं आज एक टीचर का उसके घर तक पीछा करूंगा और आज जानूंगा कि वे क्या करते हैं, फिर मैं उनके बारे में एक कविता में लिखूंगा जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। आई लाइक इट वेरी मच फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ पोएम, इट इज द रियलिटी ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। इन दिस पोएम द बॉन्ड ऑफ द टीचर एंड टॉट कैन बी रियलाइज्ड ब्यूटिफुली। That's how we have completed the reading of the poem, Where Do All the Teachers Go? I hope you liked the chapter, because I know how much you love your teachers, and the same thing with the teachers. They also love their students. Dear students, that's it for today. See you all in the next video with all the necessary exercises of the chapter. Till then, rewatch the video to improve your reading. If you didn't subscribe my channel yet, do subscribe, like the videos and share the videos as well. Keep taking a good care of yourselves. Thank you.